जी देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। राहुल गांधी ने घेरा पीएम मोदी को। सेना में महिला कमीशन को लेकर कल अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अब सेना में महिलाएं कमांड अधिकारी पदों पर भी नियुक्त होंगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी सरकार को अपनी मानसिकता सही करने का निर्देश भी दे दिया है। कोर्ट के इस फैसले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सरकार देश की महिलाओं को सम्मान नहीं दे रही है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार द्वारा सेना में महिला कमीशन के मामले में यह कहना ही कमीशन के मामले में यह कहना कि महिला इस पद के योग्य नहीं है, यह महिलाओं के प्रति सरकार के नजरिए को बताता है। राहुल गांधी के इस ट्वीट पर तंज कसते हुए बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कहा कि आदरणीय बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। महिला सैन्य अधिकारियों पर एससी का फैसला, महिला विरोधियों को करारा जवाब। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कल सुप्रीम कोर्ट के सेना में महिला अधिकारियों के लिए 3 महीने में स्थायी कमीशन लागू करने के आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राष्ट्र पूर्वाग्रह ग्रस्त होकर नारी शक्ति का विरोध करने वाली मोदी सरकार को करारा जवाब है। महिलाएं सक्षम हैं, सेना में, शौर्य में और जल थल नभ में भी। CAA विरोधी प्रदर्शनों में मुस्लिम महिलाओं को देखना अच्छा, सुमित्रा महाजन। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष व बीजेपी नेता सुमित्रा महाजन ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून विरोधी प्रदर्शनों में मुस्लिम महिलाओं को देखकर अच्छा लगता है, चाहे दिल्ली हो या इंदौर। इससे मुस्लिम महिलाओं में भरोसा जागा है कि अन्याय के खिलाफ वे सड़कों पर उतर सकती है। अब यह देखना होगा कि उन्हें सही बात की समझ आई है या नहीं। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।